हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब तक इस वीडियो सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सर्कुलर क्यू हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स में क्यों इंक्लूड हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने सेकेंड पार्ट में दिया है, उसके फीचर्स थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन किए हुए हैं, कैसे सर्कुलर क्यू वर्क होता है ये फोर्थ पार्ट में दिया है, उसके बाद उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन और किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं वो फिफ्थ में दिया हुआ है, और सिक्स्थ पार्ट द लास्ट पार्ट उसके उसमें मैंने इंसर्शन ऑपरेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमें कंटिन्यू करना है इसका नेक्स्ट ऑपरेशन। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टिकटॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिलीशन ऑपरेशन, अनदर ऑपरेशन जो हम सर्कुलर क्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन ऑपरेशन क्या करता है। तो ये जो ऑपरेशन होता है वो हमें एलिमेंट डिलीट करने में मदद करता है। जो कि एलिमेंट हमारे सर्कुलर क्यू में अवेलेबल है उसे हमें अगर डिलीट करना है तो हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है जब भी कोई हमें हमारा आइटम डिलीट करना है सर्कुलर क्यू से तो वो डिलीट होगा फ्रंट पोजीशन से, और हमें इसके साथ साथ इसके स्टेप्स जो कि हमें परफॉर्म करना है डिलीशन के लिए वो भी ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब जब भी हमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले क्यू एम्प्टी है या नहीं वो चेक करना है। अगर एम्प्टी है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है डिलीट करने के लिए, तो हम हम क्यू इज एम्प्टी वाला मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे और वहां से एग्जिट हो लेंगे। पर अगर एलिमेंट अवेलेबल है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि आपको देखना है इस क्यू में सिंगल एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो भी डिलीट करने के बाद आपका क्यू एम्प्टी हो जाएगा और आपको कोई जो पॉइंटर्स है उसको रीइनिशियलाइज करना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी क्यू में सिंगल एलिमेंट है, तो इसके लिए आपको चेक करना है कि आपका फ्रंट एंड रेयर जो दोनों पॉइंटर है वो सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। अगर वो दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब हमारे क्यू में सिंगल एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है, वो जो दोनों है फ्रंट और रेयर उसको दोनों को हमें -1 पे इनिशियलाइज कर लेना है, और ये इंडिकेट करता है कि आपने वो एलिमेंट डिलीट कर लिया है और हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे एक्चुअली हमें अगर ये नहीं है मतलब कि सिंगल एलिमेंट नहीं है स्टेप टू में तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जहां पे हमें जो फ्रंट पॉइंटर है जिस एंड से हमें एलिमेंट्स डिलीट करने हैं उसके नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है, पर हमें सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट करना है। अभी अगर आपको सर्क्यूलर इंक्रीमेंट वाला कंसेप्ट पता नहीं है तो मैंने वो पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। सर्क्यूलर इंक्रीमेंट इसका मतलब होता है कि अगर हमारा फ्रंट पॉइंटर एंड पे आता है सर्कुलर क्यू के एंड पे आता है तो हमारा जो नेक्स्ट है वो हो जाता है हमारा स्टार्ट ऑफ द क्यू, क्योंकि ये सर्कुलरली कनेक्टेड है इसलिए इसे सर्कुलर इंक्रीमेंट बोलते हैं। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो एक्चुअल डिलीशन वाला है। तो हमें टू में अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो डिलीट करना है स्टेप फोर में जाके, और अगर सिंगल एलिमेंट नहीं है तो हमें फ्रंट इंक्रीमेंट करना है, और इसका मतलब है कि हमने वो एलिमेंट डिलीट कर लिया है। वो उससे पहले हमें उसको जो जो उस पोजीशन पे फ्रंट है उसका एलिमेंट हमें डिस्प्ले कर लेना है, जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि दिस एलिमेंट हमने डिलीट कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, आपको विजुअलाइज करना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था डिलीट करने के लिए हमें फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये एक एग्जाम्पल जिससे आपको विजुअलाइज होगा कि फ्रंट पॉइंटर कैसे वर्क होता है। ये हो गया आपका सर्कुलर इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला जहां पे हमें
फ्रंट को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है और उसको मॉड्यूलो 10 कर देना है, मतलब कि 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा उससे हमें फ्रंट अपडेट कर लेना है। चलो मान लो कि आपका फ्रंट अभी 0 पे है, तो 0 प्लस 1 मतलब कि 1 हो गया, 1 मॉड्यूलो 10 रिमाइंडर विल बी 1, तो हमारा फ्रंट अपडेट करके जाएगा 1 पे। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद हमारा फ्रंट का पोजीशन अपडेट करना है जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था और वो था 1। इसका मतलब हो गया कि जो एलिमेंट पहले 0 पे प्रेजेंट था और वो अभी हमारा फ्रंट नेक्स्ट पे पोजीशन पे आ गया है, तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट हमने डिलीट कर लिया है। अगर हमें फिर से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो यही फ्रंट वाला फॉर्मूला हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, सर्कुलर इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला। वो एग्जीक्यूट करने के बाद अभी आप देख सकते हो फ्रंट, करंटली फ्रंट जो है वो 1 पे है, 1 प्लस 1 इज 2, 2 को हमने 10 से डिवाइड कर लिया और जो रिमाइंडर आ गया 2 उसे हमें ये वाला फ्रंट अपडेट कर लेना है। तो ये जो फ्रंट है अभी हम नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पोजीशन पे फ्रंट, और इसका मतलब है कि ये एलिमेंट हमारी क्यू से डिलीट हो गया है। तो इसके साथ साथ हमें कुछ पॉइंट हमेशा के लिए ध्यान में रखने हैं कि जब भी कोई हम डेटा रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वहां से रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि वो वहां पे मेमोरी में अवेलेबल है। तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर वो वहां पे है तो हम उसको एक्सेस क्यों नहीं कर सकते। तो उसका आंसर ऐसे है कि जब भी हम कोई क्यू, सर्क्यूलर क्यू और लीनियर क्यू, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम एक्सेस करते हैं तो उसमें जो कोई एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं फ्रंट एंड मिरर के बीच में, वही वैलिड एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमें बताना है कि जो कोई फ्रंट पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट पोजीशन पे, और इसको ही हम डिलीट ऑपरेशन बोलते हैं, हालांकि वहां पे एक्चुअली डेटा अवेलेबल होता है। और ये जो सेंटेंस है वो आपको बता रहा है कि जो वैलिड डेटा होता है वो फ्रंट एंड रेयर के बीच में जो एलिमेंट्स है वही हम उसको ही वैलिड बोलते हैं। इसीलिए रेयर और फ्रंट के आजू बाजू में, मतलब कि रेयर फ्रंट से पहले और रेयर के बाद अगर कोई एलिमेंट है तो वो आउटसाइड ऑफ द क्यू है, इसलिए हम उसको एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है ऐसे ही कंसिडर करते हैं। इसीलिए इसी तरह से हम डिलीट और रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसी को ही हम डिलीट और रिमूव ऑपरेशन बोलते हैं। अभी फिर से हम फ्यू ऑफ द ऑपरेशन डिलीशन के परफॉर्म करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे 22 डिलीट करना है तो ऑब्वियसली मुझे फ्रंट को नेक्स्ट पोजिशन पे ले जाना पड़ेगा बाय परफॉर्मिंग दिस सर्क्यूलर इंक्रीमेंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये फ्रंट नेक्स्ट पे आ गया और इसका मतलब है कि मेरा ये जो एलिमेंट है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज ओनली द वैलिड रेंज फ्रंट से रेयर तक, तो ये फ्रंट से पहले है इसलिए ये हमारा वैलिड एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इससे वैनिश कर रही हूँ, डिसअपियर कर रही हूँ। हालांकि मेमोरी में वो अवेलेबल है पर हमारा वैलिड रेंज जो है वो यही है, तो हमारा जो एलिमेंट है सर्क्यूलर क्यू में जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो होता है विद इन द रेंज ऑफ फ्रंट टू रेयर। अगर हमें फिर से परफॉर्म करना है डिलीशन ऑपरेशन तो हमें फ्रंट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फ्रंट नेक्स्ट पोजिशन पे आ गया और ये फिर से हमारा आउट ऑफ द रेंज वाला एलिमेंट है, तो इसको हम यहां से वैनिश कर लेंगे, डिसअपियर कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि फ्रंट और रेयर जो है वो दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो कि अगर दोनों फ्रंट एंड रेयर सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे सर्कुलर क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल है, और अगर हम वो भी एलिमेंट डिलीट कर लेते हैं तो हमारा क्यू एम्प्टी होने वाला है, और जो क्यू एम्प्टी वाला पोजीशन होता है और कंडीशन होता है वो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट एंड रेयर ये दोनों सेम पोजीशन पे है, इसलिए वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी क्यू में सिंगल एलिमेंट है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें ये डिलीट करने के बाद हमें जो फ्रंट एंड रेयर है वो री इनिशियलाइज करने हैं माइनस वन पोजिशन पे। तो ये हो गए दोनों माइनस वन पोजिशन पे री इनिशियलाइज। यहाँ पे आपकी रेंज स्टार्ट होती है माइनस वन पे, फ्रंट है माइनस वन पे, रेयर है
अगर दोनों माइनस वन पे इट इंडिकेट्स कि तुम्हारा क्यू एम्प्टी है, इसलिए ये जो नंबर है वो इनवैलिड है, इसलिए हमें उसको डिसअपियर कर लेना है, और यही इंडिकेट करता है कि आपका क्यू एम्प्टी है। तो इस तरह से हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है कि अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ओ वन, और यहाँ पे कोई लूप की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक टाइम में एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप यही सारी चीजें आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए, उसके साथ साथ पूरा वीडियो सीरीज में अभी आपको यहाँ पे दे रही हूँ, और द नेक्स्ट वीडियो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।